नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टाइम्स टीवी अते दैनिक सवेरा अखबार दे विच। ते अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने महान भेड़ गायक श्री नरेंद्र चंचल जी। ते आओ इन्हां नाल मुलाकात करदे हां। ते नमस्कार नरेंद्र चंचल जी, तुहाडा स्वागत है जय स्टूडियो दे विच। माता दी, जय माता दी। नरेंद्र चंचल, जिद्दां तुसीं हुणे सब दा स्वागत भी कीता ते सब लई सुख भी मंगिया वा, ते हमेशा तुसीं अपनियां भेटां विच वी सब लई सुख मंगदे हो, पर अज आपां जिहड़ी शुरुआत करन लगे हाँ वो एक बड़ी दुखद घटना दे नाल आ, जिहड़ी कि इराक दे विच मौसल च जिन्हें साढ़े 39 जिहड़े इंडियन सी भारतीय सी उत्थे अपनी रोज़ी रोटी कमाण लई गए सी, जिन्हां च 37 जिहड़े सी ओह पंजाब दे सी, जिन्हां चों 6 जलंधर दे सी। ते उहनां लई तुसीं की उहनां दी आत्मिक शांति लई, ते चलो असीं दुआवां करांगे, बट तुसीं मैं इह सवाल है मेरा कि जिहड़े इस तरह बाहर जांदे आ जां जिहड़े अपने मां नूं, क्योंकि तुसी तुहाडा जिहड़ा मुद्दा मेन माँ नाल रहा वै, चाहे वह महामाई है, जगत माँ है, चाहे वह भारत माँ है, तो चाहे साडी सब दी माँ, अपने अपने जिहड़े माँ बाप नाल असीं रहिंदे आ, तो मैं यही पुछना चाहना जिहड़ा उहनां दी माँ दा दर्द है वह जो अज उहनां नूं मिलिया, उहनां बारे तुसीं जरूर विचार सांझे करो साडे नाल। पहली गल तां इह है कि मैं भी जिस वेले टीवी दे विच सुनिया तो बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कोई पंजाब दा सी, पंजाब दे ज़्यादा सी, लेकिन सारे हिंदुस्तानी सी। और मेरा ख्याल है 2-3 साल तो यह सिलसिला चल रहा सी जी, बिल्कुल। और एक होप सी, एक आस सी परिवारां नूं कि वो वापस आएंगे, बिल्कुल उन्हां दी वो आस टुट गई। पहली गल मैं कहना चाहना कि कोई भी माँ जबरदस्ती बच्चियां नूं बाहर नहीं भेजदी, उहदा दिल ही नहीं करदा। बिल्कुल सही। यह तो बिल्कुल बाहर सी, कोई चाहता ही नहीं कि जलंधरों लुधियाने भी मेरा बच्चा रोज़ आवे, रोज़ आवे या हफ्ते बाद आवे। माँ का दिल तो यो ही करता कि वह नाल ही रवे, लेकिन मजबूरियाँ योजना होंदियाँ। बच्चे भी चाहते हैं कि मैं घर की मजबूरी समझदा होया और रोजी रोटी वास्ते और मैं परिवार की मदद करन वास्ते बाहर जावा, बाहर जाके 4 पैसे कमावगा, मेरे घर के कर्जे उतरनगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं देखिया कि कर्जे चुक के बिल्कुल इन्हां बच्चे बाहर जाते। सही है, मैं बिल्कुल। कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह गया, मैं उत्थे देखिया कि वो लोग कमाई कर रहे हैं और उहदा मैक्सिमम हिस्सा अपने घर भेज दें ताकि वो बिल्कुल कर्जा चुकाया जा सके, जिस कर्जे नूं पेरेंट्स ने चुक के बच्चे नूं बाहर भेजा। ना बच्चा बाहर जाना चाहता है, अगर उन्हें रोज़गार, अगर उन्हें रोटी घर बैठे इतने मिल जाए, मिल जाए, बिल्कुल थोड़ी मेहनत करके भी मिल जाए। साड़ी मजबूरी है कि आज भी घर घर च यह मजबूरियां के किसी तरीके पैसा कमाया जाए और घर चलाया जाए। बिल्कुल। श्री रामनवमी है तो वो शोभा यात्रा हैगी देवी तला मंदिर वालों, देखो मैं 24 हर तरीक नूं। बार आना इन्हों जी जी नरातियां दे विच बिल्कुल और हर बार मैं कह के जाना जी। कि तुहानू यह पता ही नहीं है तुहाडे जलंधर दे बाहर शक्तिपीठ देवी तालाब की किन्नी कु उपमा होंदी है। मैं बाहर भी जाना, जी सब लोग देवी तालाब मंदिर की माँ नू याद करते। जी तो देवी तालाब सिद्ध पीठ तो 24 तारीख नू रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा शुरू होएगी। मेरी मजबूरी है, मैं बहुत बिजी हाँ, नहीं तो मैं भी आवां और 24 तारीख दी इस रामनवमी की शोभा यात्रा जो सिद्ध पीठ देवी तालाब तो शुरू हो रही है, सारे नगर का भ्रमण करेगी और जलंधर के बाहर भी तुसी लोग सुन रहे हो इस दिन की शोभा वधान, इस शोभा यात्रा की शोभा वधान। खुद आओ, बच्चों नू लियाओ, परिवार नू लियाओ। देखो जगह जगह माँ दे लंगर लगे, जगह जगह प्रसाद वंडे जा रहे हैं और लोगों का उत्साह इन्ना बढ़ जाता है। देवी तालाब तो यात्रा चलेगी, सारे
नगर का भ्रमण करते हुए देवी तालाब दे विच आ के समाप्त होएगी और यात्रा कभी खत्म नहीं होएगी। ऐसे तरह यह यात्रा चलती रहेगी और ऐसे तरह ही नगर की शोभा वधदी रहेगी। तुहाडे जालंधर की शोभा वै यह शोभा यात्रा रामनौमी की जड़ी 24 तरीक न देवी तालाब तो चलेगी और सारे जालंधर की भ्रमण करती हुई देवी तालाब जाएगी। तो नरेंद्र चंचल जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी अपना कीमती समय कट के दैनिक सवेरा टाइम्स दे कोई कीमती नहीं, मैं तो वेला सा ये भी थोड़ा बड़प्पन है, तुसी ऐदा कहंदे हो ना तो महामाई तो तुहानू वेला रहन नहीं दिंदी। मैं आना है ते आके मैं शीतल दे इस ऑफिस दे विच जरूर आना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है जी। और हुण मैनू ब्लेस करो जी, मैं देवी तालाब जाना है, माता कीर्तन करन गुणगान करन तुहाडे हलचल दे विच सब कुछ आ भी रहा होना है जी। और हलचल दे विच देवी तालाब मंदिर दी चौकी दी हलचल देखो। जय माता दी, जय माता दी।